हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। बाहर से आने वालों के प्रवेश व जांच में नियमों का कड़ाई से हो पालन। सीएम जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों से हिमाचल प्रदेश आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समुचित चिकित्सकीय जांच की जाए, ताकि ये सुनिश्चित बनाया जा सके कि उनमें कोविड 19 का कोई लक्षण नहीं है। सीएम ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीसी, एसपी और राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में आने वाले तथा राज्य से बाहर जाने वाले लोगों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए तथा हॉटस्पॉट से आए लोगों की जांच पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट से आने वाले लोगों की कोरोना संक्रमण के लिए जांच अनिवार्य है तथा जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उनको होम क्वारंटाइन की अनुमति प्रदान की जाए। सोलन व चंबा में कोरोना के 4 नए मामले, हिमाचल में 458 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन व चंबा में कोरोना के 4 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 2 चंबा व 2 सोलन से हैं। जिला सोलन के बद्दी और नालागढ़ क्षेत्र से 2 लोगों के सैंपल लिए गए थे और ये दोनों ही क्वारंटाइन नहीं थे। इनमें से एक ट्रक चालक है जबकि दूसरा अपने घर में ही था। इस प्रकार सोलन जिला में कुल एक्टिव मामले 15 हो गए हैं। उधर चंबा में गुड़गांव से लौटा युवक व दिल्ली से लौटी महिला के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। पॉजिटिव पाया गया एक 23 साल का युवक कलहेल का रहने वाला है। उक्त युवक 2 जून को गुड़गांव से चंबा लौटा था। युवक को होम क्वारंटाइन रखा गया था जबकि महिला सलोनी क्षेत्र की बताई जा रही है। यह 28 मई को दिल्ली से चंबा आई थी और व्यास पुष्प में क्वारंटाइन थी। दोनों के सैंपल की रिपोर्ट देर रात आई है। हिमाचल में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 458 मामले सामने आ चुके हैं। वही 259 मरीजों को इलाज के बाद पूरी तरह ठीक कर घर भेजा जा चुका है। नलिन का पलटवार, जन भावनाओं से चलती है बीजेपी सरकार। हिमाचल में इन दिनों कांग्रेस स्वास्थ्य घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। इसका जवाब देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की जाँच चल रही है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी को नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। उन्होंने कहा प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार सरकार पर निर्भर है और समय आने पर विस्तार भी होगा। धर्मशाला में मीडिया से बातचीत के दौरान नलिन कोहली ने कहा कि बीजेपी की सरकारें रिमोट से नहीं बल्कि जन भावनाओं से चलती हैं, जिसके उदाहरण बीजेपी शासित प्रदेशों में चल रही सरकारों की कार्यप्रणाली से मिलता है। नलिन ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान एक मजबूत नींव रखी थी और इसी नींव के सहारे वह देश भर में विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। देश भर में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कई ऐसी योजनाएं भी लागू की गई हैं जिनका सीधा लाभ आज समाज के हर वर्ग को मिला है। पहले साल में जो कार्य किए गए और एक नींव बनी, उस नींव के आधार पे सरकार आगे बढ़ रही है, कार्य आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ऐतिहासिक निर्णय भी हुए। इस बीच कोरोना जो वैश्विक एक संकट आई है, महामारी की, उसमें भी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य किया है ताकि भारत में भारतीयों को कैसे हम सुरक्षित रखें उसकी चिंता है। अगर सरकार के कार्यकाल के बारे में बात करें, पांच पांच दिन उस पर बोल के फिर प्रश्नवार्ता के लिए चर्चा करें, और पहले कार्यकाल में जो नींव की बात कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कर ले जिसमें 34 करोड़ बैंक अकाउंट थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को जोड़ दिया गया, आधार, मोबाइल फोन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों तक पहुंचे, 5 लाख की एक इंश्योरेंस उनको फ्री स्वास्थ्य के योजनाएं के तहत वो अस्पताल जा सके उसकी नींव रखे गए, हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई, 18,000 ऐसे गांव थे जहां बिजली कभी नहीं पहुंची थी 70 साल, और उज्ज्वला के माध्यम से 8 करोड़ महिलाओं तक गैस कनेक्शन पहुंचे, 8 करोड़ से थोड़ा ऊपर, स्वच्छ भारत के तहत देश में टॉयलेट बने, ये बड़े काम थे क्योंकि सबका साथ सबका विकास इसी नारे पे सरकार आई थी, मोदी जी को जनता ने चुना। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज जो जो हम कर पा रहे हैं सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं और खासकर गरीब तबके तक, उसकी नींव 2014 से 19 में बनी और उस समय बहुत इसकी आलोचना भी होती थी
और विपक्ष इसकी अब मजाक भी उड़ाता था कि आप अकाउंट खोल रहे हैं, इसमें पैसे नहीं है। अकाउंट खोल के क्या है? प्रश्न ये बनता था कि देश में 70 साल के बाद भी लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, क्या ये सुखद बात है? अब इस कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, 20 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे पहुंचे। ये वो अकाउंट है जो आधार के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है किसी और के पास पहुंचे। 9.5 करोड़ किसानों तक राशि पहुंची है, ये मदद की राशि, ताकि उनकी कुछ मदद हो। टोटल 41 करोड़ लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट में खाते में पैसे। सरकार आई, मोदी जी की सरकार की एक उसके कैरेक्टर में निर्णयहीन सरकार, सरकार निर्णय लेने की और नेतृत्व में क्षमता है। कुल्लू में पकड़ी 42 किलो चरस। कोरोना संकट के बीच कुल्लू जिला के बंजार में नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। बंजार पुलिस ने 42 किलो 5 ग्राम चरस की खेप बरामद की है। पुलिस ने चरस की ये खेप फागो पुल के पास चेकिंग के दौरान एक पिकअप से बरामद की है। इस संबंध में पुलिस ने चालक लीलाधर पुत्र सुदर्शन निवासी रिवालसर जिला मंडी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ कुल्लू पुलिस ने जुलाई 2019 से लेकर अब तक करीब 218 किलो चरस बरामद की है। मामले की पुष्टि करते हुए SP कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि बंजार पुलिस ने 42 किलो 5 ग्राम चरस के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। और चेकिंग के दौरान इसमें गाड़ी के निचले वाले पोर्शन में तकरीबन 42 किलो 50 ग्राम चरस छुपाकर वो ले जा रहा था, जिसको सीज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें आगामी कार्रवाई की जा रही है। राम मंदिर के गर्भगृह में हिमाचल की मिट्टी और पानी। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर के गर्भगृह में हिमाचल प्रदेश के प्राचीन धार्मिक स्थलों, नदियों और झीलों के मिट्टी व जल का इस्तेमाल किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की जिला मंडी इकाई ने आज जिला के 10 धार्मिक स्थानों, 2 झीलों और 1 नदी का जल डाक के माध्यम से अयोध्या के लिए भिजवा दिया है। यह मिट्टी और जल चंबंत राम महामंत्री श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के नाम से भेजी गई है। मिट्टी और जल भिजवाने से पहले विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश से भेजी जा रही मिट्टी और जल को राम मंदिर के गर्भगृह में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि प्रत्येक प्रदेशवासी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि मंडी जिला के 10 धार्मिक स्थानों में हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध और सिख धर्म के पवित्र स्थानों की मिट्टी भी भेजी गई है। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण में पूरे भारतवर्ष की मिट्टी और सरोवरों का जल, पवित्र सरोवरों का जल वहाँ जाएगा और वो निर्माण सामग्री के रूप में वहाँ समाहित किया जाएगा। तो इसमें हमें ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हिमाचल को हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो जो वहाँ पे भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, उस मंदिर निर्माण के गर्भगृह में देवभूमि हिमाचल की मिट्टी और यहाँ के पवित्र सरोवरों और नदियों का जल जो है वो वहाँ के गर्भगृह के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। ये पूरे हिमाचल वासियों के लिए, देवभूमि वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।